साथ पालू शर्मा। बेटी दिवस पर बेटी सुरक्षा दल ने किया मेधावी बेटियों का सम्मान। गाजियाबाद के मोदी नगर में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर बेटी सुरक्षा दल ने 101 मेधावी बेटियों का सम्मान किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्ष समाजसेवी सुधा सिंह ने कहा कि बेटी सुरक्षा दल की इस पहल को मैं शुभकामनाएं देती हूं। बेटियों का सम्मान कार्यक्रम रखा और इतनी बड़ी तादाद में बेटियों का सम्मान हुआ। बेटी सुरक्षा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बबीता शर्मा ने कहा कि बेटियों को जरूरत है आज सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, कानून की, ताकि वह बच सकें। तभी तो बेटियाँ आगे बढ़ेंगी और पढ़ेंगी। मंच संचालन बेटी सुरक्षा दल से केंद्रित संयोजक डॉक्टर एस के शर्मा ने कहा कि बेटियों को कोख में मारने वालों को सोचना चाहिए कि जब बेटी ही नहीं होगी तो यह सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। बेटी सुरक्षा दल की राष्ट्रीय महासचिव कमलेश भारद्वाज ने कहा कि देश में बेटियों के प्रति रूढ़िवादी प्रथा को हम सबको समाप्त करना होगा। इस मौके पर अन्य जिले में उपस्थित रहे 100 से अधिक लोगों ने बेटी सुरक्षा दल की सदस्यता ली व 54 पदाधिकारियों ने नए नियुक्त किए गए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का सम्मान किया, जिनको प्रतीक चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित किया गया। वंदना जोशी के साथ आस मोहम्मद की रिपोर्ट। आप सभी को यहाँ आए सभी अतिथि गणों का मेरा हार्दिक नमस्कार है, अभिनंदन है। अपने निश्चित समय से आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी सब लोग बात कर रहे हैं बेटी सुरक्षा, चिकित्सा एंड शिक्षा। देखिए टॉपिक बहुत खूबसूरत है, नो डाउट है। आई थिंक सो आई लाइक इट ऑल थिंग्स के इसके इतने सुंदर टॉपिक्स हैं, लेकिन हम इन टॉपिक्स पे इतना फॉलो अप कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना पड़ेगा कि जो बेटियां हैं, चाहे वे छोटी हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो मध्यम हो, चाहे वे वृद्धा हो, बेटी बेटी है। 90 साल की भी बेटी है और न्यू बॉर्न बेबी बेटी है, तो इसलिए बेटियां तो खुद में शक्ति है। और ये तो शक्ति हो क्या, तो हर जगह बोल वाला है, कहते हैं जब तक शक्ति घर में अच्छी नहीं होगी खुशी कहां से आएंगे। इसलिए सभी शक्तियों को संस्कारवान होना चाहिए और संस्कार का एक मेन बेसिक्स होने चाहिए कि संस्कारों के अंदर शिक्षा को भी ग्रहण करें, शिक्षा के अंदर अपने सुरक्षा